तो दोस्तों, एक मशीन के ऊपर मैंने फिर से एक वीडियो बनाई है। आप लोग वीडियो देखिए और बताइए कि ये वीडियो कैसी है, और आप लोग चाहते थे कि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, ये कैनन की जो है इमेज प्रोग्राफ TM5200 मशीन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसकी डिटेल में बताते हैं और प्रिंट कैसे देते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप जो प्रिंट देख रहे हैं ये इसी कैनन मशीन से प्रिंट निकला हुआ है, और फ़ोटो की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो पेपर पे प्रिंट किया गया है और ये 24 इंच की शीट है। तो दोस्तों इसमें क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी फाइन क्वालिटी आई है, और ये कैनन की ही इसी मशीन से प्रिंट निकला हुआ है। तो दोस्तों इस मशीन की ख़ास बात ये है कि इसमें फ़ोटो जो होता है बहुत ही फाइन क्वालिटी में प्रिंट होता है। जैसे कि अगर आप फ़ोटो का काम करते हैं, अगर आपका जो स्टूडियो का काम है अगर, या फ़ोटो का काम अगर आपके पास काफ़ी है, तो आप इस मशीन को लगा सकते हैं। और इस मशीन की ख़ास बात यह है कि इसमें USB पॉइंट दिया हुआ है, उसके अलावा जो है इसकी 12 MBPS की स्पीड है इसके इस मशीन में। और यहाँ पे आप प्रिंट देख सकते हैं निकल रहा है कितनी फ़ाइन क्वालिटी में ये प्रिंट निकल रहा है, जैसे कि ये किसी बच्चे का कोलाज बनाया गया है बर्थडे के ऊपर, फर्स्ट बर्थडे के ऊपर। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में निकलता है, और ऑटोमेटिकली ये देखिए यहाँ पे कटिंग भी हो गई इस मशीन से। तो बहुत ही अच्छी मशीन है मेरे हिसाब से, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी। यहाँ से देखिए ये प्रिंट ऑप्शन दिया जा रहा है, और प्रिंट ऑप्शन देने के बाद जो है प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा और फिर प्रिंट शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस मशीन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 24 इंच तक का फ़ोटो आप निकाल सकते हैं इसके अंदर, और लंबाई आप जो है चाहे जितनी भी इसके अंदर निकाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो है कैनन की मशीन जो है इमेज प्रोग्राफ TM5200 जो मशीन है, इसमें इसकी क्वालिटी बहुत ही बेस्ट है। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आप अगर साइज़ छोटा भी लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे रोल लगा हुआ है फ़ोटो पेपर का, और क्वालिटी इसकी बेस्ट है। 2400x1200 DPI पे ये प्रिंट निकालता है, इसका रिजोल्यूशन है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप फ़ोटो देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ कि फ़ोटो की क्वालिटी कितनी बेस्ट है। ये देखिए यहाँ पे कितनी फ़ाइन क्वालिटी में ये प्रिंट निकला हुआ है। तो जो फ़ोटो का काम करते हैं उनके लिए बेस्ट मशीन होगी। और दोस्तों अगर कस्टमर से आप चाहेंगे तो अच्छा पैसा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रिंट निकला है वो फ़ोटो क्वालिटी वाला ही प्रिंट निकला है। इसके ऊपर आप इतना बड़ा फ़ोटो निकाल सकते हैं, और लंबाई आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस मशीन की यही खासियत है। यहाँ पे देखिए ये प्रिंट निकल रहा है, अभी प्रोसेस में है। दोस्तों मैंने इसके रिजोल्यूशन के बारे में बताया है, 2400x1200 DPI पे आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके अलावा ये इमेज प्रोग्राफ TM5200 मशीन है, और कैनन की ये मेरे हिसाब से बेस्ट मशीन होगी। इसकी इंक दोस्तों थोड़ी महंगी आती है, और इंक अगर महंगी आती है तो इसकी जो कॉस्टिंग है आप जो है अच्छी कॉस्टिंग आप जो है कस्टमर से ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया जो है चार्ज कर सकते हैं। तो फ़ोटो प्रिंट के लिए अगर आप अगर काम करते हैं तो आपके लिए बेस्ट मशीन होगी कैनन की इमेज प्रोग्राफ TM5200। यहाँ पे देखिए प्रिंट निकल रहा है, और बहुत ही फाइन क्वालिटी में निकल रहा है प्रिंट। तो आप बड़े प्रिंट भी निकाल सकते हैं, और मैगज़ीन का अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैगज़ीन का काम अगर आप करेंगे इसके ऊपर तो आप इससे प्रिंट निकाल के मैगज़ीन बना सकते हैं, फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं। और शादी के जो वेडिंग के जो एल्बम बनते हैं वो उसके लिए तो ये बेस्ट मशीन होगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों ये कैनन की इमेज प्रोग्राफ TM5200 मशीन है, इसकी दोस्तों जो इसका प्राइस है वो 1,80,000 रुपये के करीब है, और हो सकता है कि इसका रेट कुछ कम हुआ हो। आप इसको जब गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके डीलर का नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इसकी डिटेल और भी ले सकते हैं। और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी डिटेल आपको मिल भी जाएगी, आप खुद भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये इंक लगते हैं, तो ये इंक वाला ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर दो इसमें लगे हुए हैं इंक बॉक्स, और उसके अलावा जो है इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो एक बार इसको आप गूगल सर्च करिए और बताइए कि ये कैसी मशीन है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी देख सकें। तो यहाँ पे देखिए रोल लगा हुआ है ये फ़ोटो वाला, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये रोल रखा हुआ है। इस तरह के रोल जो होते हैं फ़ोटो पेपर के वो लगते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ कुछ नया लेकर आता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, शब खैर, ओके दोस्तों, बाय।